सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास प्लस 1 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इन दिस एक्सरसाइज वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 15.3 एंड इन एक्सरसाइज 15.3 वी विल डिस्कस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो उसके लिए ये पढ़ते हैं क्या है जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर हमने डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस किए हैं, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं जो जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या है, वी हैव स्टडीड अबाउट सम टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट्स इन विच द डेटा आर गिवन। Whenever we want to compare the variability of two series with same mean, which are measured in different units, we do not merely calculate the measures of dispersion. देखो, जो अभी हमने mean deviation and standard deviation discuss किए हैं, उसमें एक problem है कि अगर हमने दो different type का data compare करना है, different units वाला data compare करना है, mean चाहे उसमें same है, तो वो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ यूनिट आते हैं, तो दो डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर करना डिफिकल्ट है। लेकिन अब हमारे पास ऐसा हमें मेजर चाहिए, वी डू नॉट मेयरली कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बट वी रिक्वायर सच मेजर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। द मेजर ऑफ variability which is independent of units is called the coefficient of variation. देखो, जो मेजर जिसमें यूनिट नहीं कवर होता, जिसमें यूनिट जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है, उस मेजर को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ यूनिट है मीन के साथ, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट आ जाएगा। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। वहां कंडीशन है मीन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन ऑफ टू सीरीज वी कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ईच सीरीज। द सीरीज हैविंग ग्रेटर सीवी इज सेड टू बी मोर वेरिएबल देन द अदर। जिसका सीवी ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, वो ज्यादा वेरिएबल होगी। द सीरीज हैविंग लेसर सीवी सेड टू बी मोर कंसिस्टेंट देन द अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसका सीवी ज्यादा है वो वेरिएबल ज्यादा है, लेकिन कंसिस्टेंट जो है वो मोर कंसिस्टेंट है वो डाटा। ठीक है जी, सीरीज हैविंग लेसर सीवी इज सेड टू बी मोर कंसिस्टेंट। जो लेस वेरिएबल है वो कंसिस्टेंट ज्यादा है। पहले गलत बोल गया शायद मैं, जो वेरिएबल जिसमें वेरिएबिलिटी कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट डाटा है, इज मोर कंसिस्टेंट देन अदर। आगे बढ़ते हैं, जो डाटा है उसमें अगर हमारे पास दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं जिसमें मीन अलग अलग है दोनों के, उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100। अगर सीवी हमने फर्स्ट का कैलकुलेट करना, सेकंड के लिए उसी तरह से। अगर मीन सेम दिया है तो उस केस में फॉर्मूले के अंदर सेम मीन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। और इस केस में जो डाटा का जो वेरिएबिलिटी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करती है। जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है वो ज्यादा वेरिएबल है डाटा, और जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो लेस वेरिएबल है। यही यहाँ पर उसने बताया है। आगे कैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं टू डेटास को, आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ दो ग्रुप ए और ग्रुप बी की उसने बात की है। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी। मार्क्स बताए गए हैं ग्रुप ए 10 to 20 मार्क्स कितने लोगों ने लिए हैं, 9। ग्रुप ए के डाटा दिया है, ग्रुप बी का भी डाटा दिया। हमने क्या किया, पहले ग्रुप ए को पकड़ लिया है, और ग्रुप ए के केस में हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है एक्स आई 15, 20, 30, 25, 35, 45, 10, 10 का डिफरेंस है। हमने यहाँ सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है, मीन के लिए अज्यूम्ड मीन पहले लेना है,
अज्यूम्ड मीन हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, मिडल में से लेना होता है, एक्स आई में से 45, एन 155 है, एच क्लास साइज 10 है, तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही स्टेप डेविएशन में जो मेथड था क्लास टेंथ का, और ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई ओवर एन इंटू एच। अब जब अज्यूम्ड मीन हमने ले लिया है तो वाई आई कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई माइनस 45 ओवर 10, तो एक्स आई कितना था, जैसे 15 है, 15 माइनस 45 30, माइनस 30 माइनस 30 ओवर 10 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, इसी तरीके से ये वाई आई आ गया है। फिर वाई आई स्क्वेयर वाली कॉलम जो हमने किया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन में, ऑलमोस्ट सारा कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पर। एफ आई वाई आई ये मीन के लिए जरूरी है, एफ आई वाई आई स्क्वेयर ये कॉलम हमने एफ आई वाई आई स्क्वेयर भी उसका टोटल भी कर लिया है, एफ आई वाई आई का टोटल है। ये मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन एफ आई वाई आई ओवर एन इंटू एच सिंप्लीफाई करके ये आ गया 45 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 44.6, ये मीन आ गया है। अब वेरियंस कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड से, एच स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर इंटू एन इंटू समेशन एफ आई वाई आई स्क्वेयर माइनस समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वेयर, सभी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास वेरियंस आ गई है 227.84, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है 15.09। जिस स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए कैलकुलेट की है क्योंकि हमने कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, सीवी कैलकुलेट करना है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी के लिए भी उसी तरीके से सारी कैलकुलेशन की है, 45 इसमें ले लिया है, वाई आई उसी तरीके से आएगा वाई आई स्क्वेयर, लेकिन यहाँ एफ आई डिफरेंट है इसलिए एफ आई वाई आई लग आएगा, एफ आई वाई आई स्क्वेयर भी लग आएगा। ये एफ आई वाई आई माइनस 6 आ गया है, ये सेम है, एफ आई वाई आई की वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पर, और एफ आई वाई आई स्क्वेयर डिफरेंट आ रहा है। मीन उसी तरीके से 44.6 आ गया है, वेरियंस कैलकुलेट की है 243.84, फार्मूला जो 15.2 में हम लोग करके आए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट 243 माइनस 84 15.61 आ गई है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास दोनों का मीन सेम है, इसलिए जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी वो मोर वेरिएबल होगा। ग्रुप बी जो है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, इट मीन्स ग्रुप बी हैज मोर वेरिएबिलिटी इन मार्क्स, यही हमने कंपैरिजन करना था। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। स्टेबिलिटी की बात करनी है, जो लेस वेरिएबल होगा वो मोर वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ एक्स और वाई दिया हुआ है हमें, प्राइजेस ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स एंड प्राइजेस ऑफ शेयर्स ऑफ वाई, इसका सम कैलकुलेट कर लिया है, एक्स आई का सम आ गया है 510, वाई आई का 1050, मीन पहले कैलकुलेट कर लिया है, सम ऑफ ऑल द एक्स आईज ओवर एन, तो 51 मीन आ गया है। वेरियंस का फार्मूला बेसिक फार्मूला 1 ओवर एन समेशन आई फ्रॉम 1 टू 10 आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ हमने टेबल में कैलकुलेट कर लिए हुए हैं, एक्स बार 51 आया था इसलिए सभी का 51 से डिफरेंस, एक्स आई डेविएशन आ गई है, डेविएशन का स्केयर आ गया है 350 आ गया टोटल, डेविएशन का जो स्केयर था उसका 350, तो यहाँ 350 ओवर 10 35 जो है वेरियंस आ गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.91। इसी तरह हमने कॉफिशियंट वैसे यहाँ पर देखते हैं मीन कितना आता है दूसरे केस में, अगर मीन सेम आता है तो फिर जरूरत नहीं थी स्टैंडर्ड कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन की, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेट कर लिया कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, तो ये कैलकुलेट करके 11.58 आ गया है कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन। अगर मीन अलग अलग है तो फिर जरूरत पड़ेगी कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन की, इसलिए कैलकुलेट कर लिया गया है। नेक्स्ट जो वाई डाटा था, वाई डाटा के केस में हमारे पास मीन जो है वो 105 आ गया, डिफरेंट मीन है, अब कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन की जरूरत थी, तो वेरियंस उसी तरीके से वाई आई माइनस 105 हमने देखा है कि कितना डिफरेंस है, वो सारा डेविएशन लिख लिए, उसके स्केयर कर लिए हैं, सम आ गया 40, वेरियंस कैलकुलेट कर लिए 4, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन वाई का कितना आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इन 200 11.58, इसका 11.58 है, इससे पहले हमारे पास 11.58 ही आ चुका है कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स। द हेयर कॉफिशियंट
ऑफ वेरिएशन ऑफ y के केस में जो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है वो 1.9 है, एक्चुअली मैं वही बोल रहा था 11.58। तो ये 1.9 है जो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन x के केस में है वो 11.58 है। तो cv ऑफ प्राइसेस शेयर ऑफ शेयर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन द cv ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ y, द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ y आर मोर स्टेबल देन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर्स x। देखो जो वेरिएबिलिटी है वो कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन बताता है, तो वेरिएबिलिटी कम है y के केस में, प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ y के केस में वेरिएबिलिटी कम है। इट मींस ये प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ y जो है दैट इज मोर स्टेबल देन द प्राइसेज ऑफ शेयर ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन कम है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से कंपेयर करते रहेंगे हम लोग डेटाज को, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज को। एंड एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर्स इन टू फॉर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये नंबर ऑफ वेज अर्नर्स हमें बताया है 586, फॉर्म बी कितने लोगों को पे दे रही है, वेज दे रही है 648 लोगों को मीन मंथली बेसिस। एवरेज सैलरी कितनी है सभी की 5253, फर्म ए के केस में भी फर्म बी के केस में भी 5253। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, वेरिएंस कितनी है फर्म ए के केस में वेजेस की 100 और फर्म बी की 121। विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उसने ये पूछा है कि कौन सी फर्म ज्यादा पे कर रही है, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ वर्कर्स 586 है, हर एक बंदे को एवरेज सैलरी जा रही है 5253, तो कितनी अमाउंट जाएगी टोटल अमाउंट पेड 5253 इंटू 586। इसी तरह से मंथली वेजेस ऑफ फर्म बी जो एवरेज मंथली वेजेस है वो कितनी है, मीन मंथली वेजेस वो 5253 ही है। नंबर ऑफ वेजेस वेज अर्नर 648 है, तो टोटल अमाउंट कितनी पे होगी 5253 इंटू 640। तो कौन सी ज्यादा पे कर रही है, क्लियरली दिख रहा है इसके वर्कर ज्यादा हैं, तो ज्यादा सैलरी यही अमाउंट पे करेगी बी फर्म, फर्म बी इज पेइंग लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। ये हमें जो दिया है ना मंथली वेजेस, ये एवरेज है, मीन मंथली वेजेस ऑफ फर्म ए। आगे बढ़ते हैं, अब उसने वेरिएबिलिटी की बात की है, तो इट मींस यहाँ पर हम लोग मीन सेम है तो कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन चाहे निकाल लें या सीधा भी बताया जा सकता है। जब मीन सेम हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बिहाफ पे भी बताया जा सकता है। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी उसने 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ जाएगी। वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे केस में दी है फॉर्म बी के केस में 121, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में 11 आ जाएगी। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं मीन सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो फॉर्म बी है उसकी ज्यादा है, इट मींस फॉर्म बी इज मोर वेरिएबल। तो जो जो उसकी मंथली वेजेस हैं वो ज्यादा वेरिएबिलिटी है उसके अंदर। इसी तरह कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन हम निकाल लेते हैं, जरूरत नहीं थी। ये हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ वेरिएंस आ गया है 1000 ओवर 5253। दूसरे केस में कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन जो आ रहा है वो आ रहा है 1100 ओवर 5253। देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर के ऊपर डिपेंड करेगी वैल्यू। तो सीवी जो है फॉर्म बी का ज्यादा है, तो फॉर्म बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। जो फॉर्म बी है उस केस में जो इंडिविजुअल वेजेस है उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी, क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, मोर ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है। तो सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यही, लेकिन कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन फिर भी मैंने कैलकुलेट कर दिया है। आप सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन से कंक्लूड कर सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्म बी इज ग्रेटर देन द फर्म ए, देन द फर्म बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, द सम एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स कोरिस्पोंडिंग टू द लेंथ, एक लेंथ दी हमें एक्स इन सेंटीमीटर एंड वेट वाई इन सेंटीमीटर।
सॉरी इन केजी, यस वेट ग्राम्स में है, वेट वाई इन ग्राम्स ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं की लेंथ और वेट की बात की है उसने, और हमारे पास ये डाटा दिया है, समेशन एक्स आई दिया है आई फ्रॉम 1 to 50, समेशन एक्स आई स्क्वेयर दिया है 1 to 50 902.8, इसी तरह वाई आई का सम दिया है और वाई आई स्क्वेयर का सम दिया है। वो पूछ रहा है विच इज मोर वेरिंग वेरिंग द लेंथ और वेट, लेंथ ज्यादा वेरी करता है या वेट। तो हमने क्या करना है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। अब यूनिट अलग अलग है, देखो यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन बड़ा हेल्पफुल है, यहाँ पर हम लोग मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समेशन एक्स आई दिया है, वहां से हमने मीन निकाल लिया 1 ओवर n इनटू समेशन आई फ्रॉम 1 टू 50 एक्स आई, 212 ओवर 50 मीन आ गया 4.24। अब वेरियंस निकालनी है, वेरियंस क्या है 1 ओवर n समेशन आई फ्रॉम 1 टू 50 एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ये उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्वेश्चन नंबर सेकंड भी किया हुआ है, वहां पर ये आप देख सकते हैं उसी तरह की यहां हमने एक्सपेंड किया है 1 ओवर 50 समेशन आई फ्रॉम 1 टू 50 एक्स आई स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया है, एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi इनटू एक्स बार 1 ओवर 50 एक्स समेशन हमने सेपरेट कर दिया, सभी के ऊपर अप्लाई कर दिया है, 2x बार बार लिख सकते हैं समेशन एक्स आई के ऊपर अप्लाई हो गया। यहाँ पर कोई बच्चा सोचेगा कि हम x बार कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जाएगा जे 50 टाइम्स। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 1 ओवर 50 समेशन आई फ्रॉम 1 टू 50 एक्स आई स्क्वायर 1 ओवर 50 इंटू एक्स बार स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर 50 टाइम्स आएगा, माइनस 2 एक्स बार ओवर 50 हमने बार रख लिया है, और समेशन आई फ्रॉम 1 टू 50 एक्स आई इसके नीचे अगर 50 लगा दें तो ये एक्स बार बन जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स बार आ गई, ये मीन आ गया। इसी तरह एक्स बार ऑलरेडी यहाँ 50 कैंसिल हो गया, एक्स बार स्क्वायर यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी समेशन आई फ्रॉम 1 टू 50 एक्स आई स्क्वायर की, ये सिंप्लीफाई करके यहाँ 2 टाइम्स एक्स बार स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 1 टाइम्स एक्स बार स्क्वायर, 2 टाइम्स के साथ माइनस का साइन है, माइनस एक्स बार स्क्वायर यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स बार की, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास 0.078 आ गया है वेरियंस। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट है 0.26। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आएगा लेंथ के केस में, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या 0.26 ओवर 4.24 इनटू 100 6.13, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेंथ का आया है। अब समेशन वाई आई दिया है 261, यहाँ समेशन आई फ्रॉम 1 टू 50 वाई आई स्क्वायर दिया है, यहाँ से मीन आ गया वाई बार वाई आई से 5.22। अब वेरियंस उसी तरीके से एक्सपेंड करना है इसको, और लास्ट में हमारे पास वही आ जाएगा रिलेशन, यहाँ पर एक्स आई बार स्क्वेयर आया था, वहां पर वाई बार स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स बार स्क्वेयर वाई बार स्क्वेयर, वाई बार मीन्स मीन ऑफ वेट, मीन वेट आ जाएगा। हाँ जी, तो ये हमने आगे मल्टीप्लाई करके यहाँ उसी तरीके से 50 और 50 कैंसिल हो गया, वाई बार स्क्वेयर बचा, यहाँ भी वाई समेशन आई फ्रॉम 1 टू 50 वाई आई ओवर 50 ये वाई बार है, मीन है ये। तो ये सिंप्लीफाई करके वाई बार की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और हमारे पास वेरिएंस आ गया 1.904, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.37। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेट के केस में कैलकुलेट किया है, वही फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, 1.37 ओवर 5.22 इनटू 100, वैल्यू आ गई है 226.24। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो वेट का ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएशन ऑफ वेट इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, वेट वेट्स वेरिंग मोर देन लेंथ, जिसका सीवी ज्यादा है वो ज्यादा वेरिंग है, तो वेट के केस में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, इट मींस दिस डाटा वेट इज मोर वेरिंग एज कंपेयर टू लेंथ। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, 15.3 हमने डिस्कस कर ली है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसी के साथ अगर प्रीवियस वीडियो किसी बच्चे ने देखनी हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।